नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में शिवकुमार सिंह आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज राखी है, राखी के शुभ अवसर पर आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। और इस अवसर पर हमने रिश्ते को लेकर के कहानी, आज मोटिवेशन स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जैसे हम लोग जानते हैं, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी ने बहुत एक अच्छी बात कही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास आपके रिश्ते हों तो आपकी जो हार है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अच्छी लगने लगती है। और अगर कोई रिश्ता नहीं है तो आप जीत, आपकी जो जीत है उसका मज़ा भी बेस्वाद सा हो जाता है। तो रिश्ते पर ही आज एक कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी एक गरीब परिवार की कहानी है, छोटी बच्ची है उसके पिताजी की। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। तीन परिवार में सदस्य थे केवल, पति पत्नी और उसकी बेटी छोटी। काफ़ी गरीब परिवार के थे वो, खाने को हर पल संघर्ष करते थे। सुबह खा लिए तो शाम के खाने का कोई ठिकाना नहीं है। नौकरी वगैरह नहीं थी उसके पास में, खेती किसानी वगैरह भी नहीं थी। बच्ची के, उसके जो छोटी बेटी है, उसके दोस्त मित्र वगैरह थे, सहेलियाँ वगैरह थी, वो सब के पास प्रॉब्लम नहीं थी पैसे वगैरह को। तो वो अपने पापा से अक्सर पूछती थी कि हम लोग को यहाँ सब ठीक कब होगा और सारी चीज़ कब व्यवस्थित होगी हमारे यहाँ। तो उसके पिताजी बोल देते थे उसका मन रखने के लिए, होगा होगा बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसे। एक दिन उसकी बेटी पूछने लगी, पापा भगवान कहाँ रहते हैं? तो उसको कुछ सूझा नहीं, मना तो वो कर नहीं सकता था, उसका दिल टूट जाएगा। तो उसने बताया कि वो पहाड़ी जो है ऊपर, वहाँ पर भगवान रहते हैं। तो वो बच्ची थोड़ी देर कुछ सोचती है, सोचने के बाद फिर कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद अचानक से उसको एक नौकरी मिल जाती है, उसके पिताजी को। वो नौकरी रहती है फौज में, फौज में नौकरी मिलती है। लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी में वो आता है, उसके कुछ समय बाद युद्ध की घोषणा हो जाती है। तो उसको युद्ध के लिए 2-3 महीने के लिए जाना रहता है बाहर। जो उसकी जो बेटी रहती है वो बोलती है पापा, वो बहुत मना करती है, पापा मत जाओ मत जाओ, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए था, मैं ऐसा भगवान से नहीं मनाई थी, मुझे इस तरीके का पैसा नहीं चाहिए। तो बोलता है बेटा जाना पड़ेगा, ज़रूरी है जाना, काम है, और देश के लिए जान देना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो समझाता है उसको, तो बेटी रोते रोते विदा करती है और अपने पापा के हाथ में एक चिट्ठी दे देती है और पापा को बोलती है कि आप ऊपर पहाड़ी पे जा रहे हो लड़ने, उधर साइड में ही जा रहा होता है, लड़ने जा रहे हो तो ये चिट्ठी भगवान तक पहुँचा देना, ऊपर पहाड़ी में जो रहते हैं। तो वो सोचने लगता है, मैं तो उसका दिल रखने के लिए कहा था और ये तो सच मान ली इस बात को। तो वो बोलता है ठीक है, ऐसा बोल करके दूसरी एक चिट्ठी लिख देता है और पोस्ट करता है कि बेटा मैं तुम्हारा मन रखने के लिए कह रहा था ये बात, ऊपर भगवान वगैरह नहीं है, भगवान तो है ही नहीं। चिट्ठी लिख करके वो व्यक्ति अपना पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है और युद्ध के लिए चले जाता है। इस तरीके से 2-3 महीने गुजर जाते हैं, 2-3 महीने युद्ध होता रहता है, युद्ध ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तभी अचानक एक संदेशा आता है, घर में पत्नी है बच्ची है उनको, कि वो जो टुकड़ी है जो वहाँ युद्ध में लड़ने गई थी वो पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं, वो पूरे मर चुके हैं युद्ध में। और उस टुकड़ी में इसका पिताजी भी था बच्ची का। वो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। कुछ और 2-3 महीने बीत जाते हैं इस तरीके से। अचानक दरवाज़ा खटखटाते हैं कोई उनके घर का। बच्ची जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके पिताजी खड़े हैं। वो एकदम पतले दुबले से, क्योंकि हुआ ये था उनके साथ कि दुश्मन ने उसको अपने साथ ले, दुश्मन अपने साथ ले गए थे, मारे नहीं थे और उसकी बहुत पिटाई करे थे, ख़त्म नहीं करे थे, बहुत पिटाई करे थे उसका। और
उसको मैं बंद कर देते हैं। वो जैसे तैसे जान छुड़ा करके वहाँ से भाग निकलता है। तो अपनी पूरी स्टोरी बताता है, वो मैं ऐसे ऐसे बच के निकला। तभी उसी समय एक डाकिया आता है और डाकिया इनके हाथ में एक तार देता है। ये तार वही था जो वो लिखा था कि ऊपर भगवान वगैरह नहीं है। दूसरा जो चिट्ठी रहती है वो खोल के नहीं देखा रहता, उसकी बेटी ने जो ऊपर पहुंचाने बोला था, जो वो खोलता है वो, तो वो चक्कर रह जाता है। उसमें लिखा था कि भगवान मेरे पिताजी को भेज देना। ये देख करके उस वो उसके आँख में आंसू रुकते नहीं है और उसे इस चीज़ का महसूस हो जाता है, नहीं ऊपर वाला तो है, हमें धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले पे भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने प्रयास हमारे हाथ में, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम दिल से प्रयास करेंगे तो ऊपर वाला हमारी आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे सुनने में, लेकिन सुनेगा ज़रूर। तो ये बहुत प्यारी सी एक कहानी थी रिश्तों को लेकर के, ये मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में। मुझे इजाज़त दीजिए। गूंज लाइव, शिव कुमार सिंह, नमस्कार दोस्तों।